सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहे। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ, प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, किसी को वोट देना, ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थी न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यही उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है, और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपसे आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको, इस पर राजनीतिक खेल ना खेलना, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। धन्यवाद।